सो हेलो ग्रेटिट्यूडर्स, मैं हूं आपका दोस्त शाहरुख और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड इन हिंदी में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले इबादत, प्रेयर, प्रार्थना ये सब क्या है? दोस्तों इबादत, प्रेयर, प्रार्थना ये सब क्या है? ईश्वर ने हमें पहले से जो कुछ दे रखा है उसके लिए एक सटीक रूप से, सटीक ढंग से उसकी कृतज्ञ ज्ञापन करना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना, उसके लिए शुक्र करना, यही इबादत है, यही प्रेयर है, यही प्रार्थना है दोस्तों। लेकिन आज हमारा हाल बहुत ही कमज़ोर हो चुका है दोस्तों। हम मस्जिद की चौखट में तब कदम रखते हैं, हम मंदिर की घंटी तब बजाते हैं, हम गुरुद्वारा में तब दाखिल होते हैं, हम चर्च में तब एंटर लेते हैं जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। जब हमारे ऊपर मुसीबत आन पड़ती है दोस्तों, तब हमें ईश्वर याद आते हैं, तब हमें अल्लाह की याद आती है। लेकिन खुदा ने फरमाया है कि तुम अपने अच्छे समय में मुझे याद करना, मैं तुम्हें बुरे समय में याद करूँगा। और दोस्तों, आज अगर हम अच्छे हालात में हैं, आज अगर हमारे पास सारा कुछ मौजूद है, आज अगर हम एक हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि आज के दिन ईश्वर को याद करें कि उसने हमें और आपको इतना कुछ दिया कि हमें उसकी याद ही नहीं आती है। दोस्तों, आज है ग्रैटिट्यूड चैलेंज डे 26 और आज के दिन ग्रेटफुल रहें ईश्वर के लिए, जिसने ये आसमान को हमारा छत बनाया, जिसने इस ज़मीन को हमारे लिए चलने के लायक बनाया, जिसने ये पेड़ पौधे, जल, हवा, हर कुछ बनाया। ये सारा कुछ दोस्तों हमारे और आपके लिए है और आज हम इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम इसके क्रिएटर को ही याद करने की समय नहीं पाते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि जिसका खाना उसी का गाना, लेकिन दोस्तों खा तो हम उस मालिक की ही रहे हैं लेकिन गा रहे हैं किसी और का। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना अपना हैबिट बना लें दोस्तों। हमारे इस चैनल का, हमारे हर वीडियोस का एक ही मात्र उद्देश्य है कि किस तरह से हम सब एक कृतज्ञ इंसान बन जाएं, एक ग्रेटफुल ह्यूमन बीइंग बन सकें। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें और अपने सुझाव, अपने विचार, अपने प्यार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और कृतज्ञता को फैलाते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।